हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आपका जहाँ पे डिवाइस है इनफिनिक्स का, इस डिवाइस के अंदर किस तरीके से जो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड है यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मोबाइल की होम स्क्रीन पे और यहाँ से इसको लॉन्ग कर लूँगा। इसको लॉन्ग करने के बाद जो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आने के बाद जो है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, थीम एंड लॉक स्क्रीन, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लूँगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे सिम वन रिंग टोन, सिम टू रिंग टोन का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पे कर लूँगा क्लिक नोटिफिकेशन साउंड का और यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे। और मैं यहाँ पे फ्रॉग साउंड को क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से बैक कर लूँगा, आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड सेट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने चेंज कर पाएंगे नोटिफिकेशन साउंड को। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।